जनपद संभल के चंदौसी में राज्य मंत्री गुलाबो देवी को दोबारा 31 विधानसभा चंदौसी से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद चल रहा विरोध शांत नहीं हो रहा है। राज्य मंत्री के टिकट काटने की मांग को लेकर भाजपा पदाधिकारी पानी की टंकी पर चढ़ गया और राज्य मंत्री का टिकट काटने की मांग करने लगा। राज्य मंत्री का विरोध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति द्वारा राज्य मंत्री गुलाबो देवी को 31 विधानसभा चंदौसी से द्वारा प्रत्याशी घोषित होने के बाद विधानसभा क्षेत्र में लगातार विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया से शुरू हुआ विरोध पदाधिकारियों तक चरम पर पहुंच गया है। सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री पवन मुखिया निवास विकास नगर ग्राम मोलागढ़ चंदौसी राज्य मंत्री गुलाबो देवी को द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ गया और राज्य मंत्री का टिकट काटने की मांग करने लगा। पवन मुखिया ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन पार्टी हित में है। मेरे ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उन सब में अभी सम्मान का विषय है। मेन बॉडी के सैकड़ों पदाधिकारियों ने विरोध में इस्तीफा दे चुके हैं और मेरा भी विरोध है कि राज्य मंत्री गुलाबो देवी का टिकट काट कर किसी योग्य कार्यकर्ता को पार्टी का टिकट दिया जाए। देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। कोई किसी तरीके से अपनी बात रखता है, कोई किसी तरीके से। जी जी, मैंने अपने तरीके से। तो आप किसका किसके विरोध में, क्या विरोध था आपका? किसी के विरोध में नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के मेहनती कार्यकर्ता थे, हैं और हमेशा जीवन भर रहेंगे। बाल काल से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2007 से मैंने छात्र राजनीति में आया और आज दूसरी बार जिला मंत्री हूँ। पिछले 6 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में जिला मंत्री के दायित्व में पार्टी के लिए सेवा दे रहा हूँ। पानी की टंकी पे चढ़ना आपने पहले से सुनियोजित कर रखा था कि पानी की टंकी पे चढ़ना? ना, ऐसा कुछ नहीं था। तो चढ़ने का कारण क्या है, जरा बताएं। कुछ कारण नहीं था। हर कार्यकर्ता अपनी पीड़ा अपने अपने बताएंगे ना, मांग क्या? हमारी आम कार्यकर्ताओं की मांग यही है कि चंदौसी विधानसभा का जो टिकट हुआ है इस बार, वो टिकट परिवर्तन होना चाहिए। उसका कारण केवल यही है, आम कार्यकर्ता मेहनती कार्यकर्ता की जो मेहनत थी, उनकी जो रिपोर्ट जाती है, ग्राउंड सर्वे जाता है, उसे बिल्कुल उलट के टिकट हुआ है। जबकि ये टिकट किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए था। चंदौसी विधानसभा में बहुत सारे मेहनती गरीब कार्यकर्ता है, किसी भी अन्य कार्यकर्ता का टिकट हो जाए। आपका ये मानना है चंदौसी विधानसभा का, आपका ये मानना है कि 31 विधानसभा से जो भारतीय जनता पार्टी में टिकट दिया है वो सही नहीं दिया, उसका आप विरोध करते हैं? भाजपा का टिकट की बात कर रहे हैं? भाजपा के टिकट की बात कर रहे हैं ना? मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कौन है प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का? माननीय गुलाबो देवी जी है। तो आप गुलाब देवी जी का विरोध कर रहे हैं? मैं ही विरोध नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो हजारों कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप विरोध? क्या कारण है विरोध करने का? विरोध का कारण यही है कि आज तक कभी किसी ने सुनी नहीं, कार्यकर्ता ने अपने आप को हमें ठगा महसूस किया, यही कारण है। विकास कार्य हुए? ये तो आप मीडिया है, आप देखिए। कोई ऐसी बात भी आपके मन में है जिसे लेके आपकी विधानसभा में हुए विकास? सब में विकास। चंदौसी में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ा था, जिसने यहाँ टिकट का विरोध किया। विधानसभा का टिकट हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, उसका विरोध किया है। आप लोगों ने बड़ी मशक्कत करने के बाद 2 घंटे में उसको ऊपर से नीचे उतारा है, क्या कहेंगे? इसमें जो है हमारे स्टेशन पर सूचना प्राप्त हुई कि एक आदमी जो है कचहरी में टंकी के पास पानी चढ़ा हुआ है, तो गाड़ी को रवाना किया गया। फिर मैं सुनवाया और फिर हमने चुपचाप वहाँ गए ऊपर और उसको काफ़ी समझाया। इसका नाम पवन मुखिया, अपना नाम बता रहा था मुझे, और ये कुछ भाजपा कार्यकर्ता था। ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन हमारी यूनिट ने उसको काफ़ी समझ के काफ़ी देर में समझा कि नीचे थे।